जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने को लेकर आज गोरखपुर में कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हिंदू चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गोरखपुर के शास्त्री चौक पर 370 दीपक जलाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हाथों में तिरंगा लिए हिंदू चेतना मंच के महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भारत माता के नारे लगाए और दीपकों से ही धारा 370 और 35 ए समाप्त का स्लोगन लिखा। हिंदू चेतना मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि वे पिछले 2 साल से धारा 370 को हटाने के लिए अभियान चला रहे हैं और इसके लिए वे प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। ऐसे में आज सरकार का ये फैसला उनके अभियान को पूरा किया है और इसके लिए वो मोदी सरकार को शुभकामना दे रहे हैं। इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद हिंदू, सुमन हिंदू, गीता हिंदू, शांति, विजय मिश्रा, अमित ओझा, रविंद्र शास्त्री आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए हिंदू चेतना मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा। रघुवंश हिंदू, संयोजक हम इस कार्यक्रम। भारत में जो बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है, जो 370 धारा समाप्त किया गया, धारा 370 धारा के साथ 35 ए का समापन कर दिया गया, इसके साथ साथ गुलामी की वो हर निशानी को समाप्त कर दिया गया कि जिससे हम इसके लिए आहत थे और इसके लिए विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति हिंदू चेतना मंच, आज़ाद हिंद चेतना मंच ने 16 नवंबर 2016 को हमने पूरे अपने जीवन का इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट और स्टेट लेवल के जो पुरस्कार थे, हमने 370 धारा समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा, और लगातार उसके बीच में भी हम लोग इसका ज्ञापन देते रहे हैं और करते रहे। ये हमारा मिशन का अंग है, शहीदों को संवैधानिक दर्जा और भारत को अखंड का निर्माण के लिए, और उसके लिए हम 370 धारा समाप्त पर 370 दीपक यहाँ जलाए जा रहे हैं और लास्ट में जब 370 दीपक जल जाएंगे तब जा करके इनको 370 दीपक को बुझा दिया जाएगा, जिससे ये हमारा संकेत है कि अब भारत एक है, अब 370 धारा समाप्त हो चुका है, भारत में हम कहीं भी जा करके किसी तरह से रह सकते हैं। आज देश में ने एक इतिहास रचा है, माँ भारती के जो एक दाग लगा था कि 370 कश्मीर पे, एक देश में दो निशान दो विधान, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था, आप भी जानते हैं उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था कि हमें एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं होना चाहिए, और आज उसी का है कि 70 साल के इतिहास में आज संसद में भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक यहाँ पे आप देखिए धारा 370 हटाया गया। ये हम सबका जश्न का है क्योंकि हर एक का वोट मोदी जी को जिताने में रहा, लोग खुद मोदी बन के उन्हें वोटिंग किए और आज ये इतिहास जो रचा गया, मैं इसके लिए सभी को बधाई देती हूँ। आज विश्व का सबसे लंबा तिरंगा हिंदू चेतना मंच द्वारा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, ये वास्तव में खुशी की बात है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ चेतना मंच परिवार का कि वो इसी तरह के ऐतिहासिक जो भी निर्णय होते हैं उनका सम्मान करते हैं, शहीदों का सम्मान करते हैं और उन्हें जो भी देश के लिए निछावर हुआ उसके सशक्त नमन करने के लिए कार्य चलाते रहते हैं और मुझे भी आमंत्रित करते हैं, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और आपके चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस खुशियों के मौक़ों पर आप समस्त दर्शकों से इस खुशी को दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।